एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि बेंगलुरु बम ब्लास्ट केस के दोनों संदिग्ध अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाजिब सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए एक ऐसे लॉज में छिपे थे जहां पहचान पत्र देने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब वो दोनों हर हाल में अपनी पहचान छिपाने में जुटे थे। हालांकि एनआईए की टीम ने दोनों को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा से गिरफ्तार कर लिया। एक मार्च को बेंगलुरु के मशहूर रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में दोपहर करीब 1 बजे धमाका हुआ था और धमाके की आवाज से पूरा बेंगलुरु शहर थर्रा गया था। इस धमाके के ठीक 42 दिन बाद एनआईए की टीम ने धमाके के दो संदिग्ध अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाजिब को गिरफ्तार करने का दावा किया। एनआईए ने दोनों को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा से गिरफ्तार करने की जानकारी दी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी वहां एक छोटे से लॉज में छिपे हुए थे। वो ऐसा लॉज था जहां उन्हें कोई पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं थी। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनकी पहचान किसी भी कीमत पर उजागर ना हो सके। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए दोनों लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे और वो ऐसा लॉज या ऐसे गेस्ट हाउस को छिपने के लिए चुनते थे जहां उन्हें अपने बारे में कोई जानकारी या फिर दस्तावेज देने की जरूरत ना हो। हालांकि उनकी तमाम चालाकियों के बाद भी एनआईए ने उन्हें ढूंढ निकाला। एनआईए ने दावा किया कि मुसव्विर हुसैन शाजिब ने ही रामेश्वरम कैफे में विस्फोटक रखा था और अब्दुल मतीन ताहा ने धमाके की पूरी साजिश रची थी। मतलब एनआईए ने अब्दुल मतीन ताहा को बेंगलुरु बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया, क्योंकि एनआईए का दावा है कि रामेश्वरम कैफे में धमाके की प्लानिंग से लेकर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने का पूरा प्लान ताहा ने ही बनाया था। जांच के दौरान यह भी पता चला था कि संदिग्ध ताहा तमिलनाडु में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में भी वांटेड है। एनआईए की जानकारी के मुताबिक मुसव्विर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा कर्नाटक के शिवमोगा जिले के रहने वाले हैं और सूत्र बताते हैं कि दोनों आतंकी संगठन ISIS से जुड़े, लेकिन 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में धमाका करने के बाद से ही दोनों फरार थे। पिछले महीने की 23 तारीख को एनआईए ने धमाके के मुख्य संदिग्ध के तौर पर दोनों की पहचान की थी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक दोनों की पहचान एक टोपी से की गई थी, क्योंकि जांच के दौरान रामेश्वरम कैफे से थोड़ी दूरी पर जांच अधिकारियों को एक टोपी मिली थी। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान ये पता चला था कि वो टोपी अब्दुल मतीन ताहा की थी, जिसे उसने चेन्नई में खरीदा था। सूत्रों का दावा है कि 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में बम रखने के दौरान मुसव्विर हुसैन शाजिब ने वही टोपी पहनी थी जो एनआईए को रेस्टोरेंट के पास से मिली थी। एनआईए का शक यकीन में तब बदला जब ब्लास्ट के बाद संदिग्ध शाजिब के कुछ वीडियो सामने आए थे। उनमें एक वीडियो में वो एक बस स्टैंड से रेस्टोरेंट की तरफ जाता दिखाई दिया था। उस वीडियो में उसने सिर पर टोपी पहन रखी थी। यही नहीं, एक दूसरे वीडियो में भी वो एक बस के अंदर उसी टोपी में नजर आया था। सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान ये पता चला कि चेन्नई में उस तरह की टोपी के सिर्फ 400 पीस ही बेचे गए थे। और इसके बाद एनआईए की टीम ने चेन्नई के उस इलाके के CCTV खंगालने शुरू किए जिस इलाके में संदिग्ध ताहा ने टोपी खरीदी थी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक कई दिनों की मेहनत के बाद जांच अधिकारियों को एक वीडियो में अब्दुल मतीन ताहा दुकान से टोपी खरीदते हुए दिखाई दिया था। और सूत्र बताते हैं कि ताहा की उसी टोपी का इस्तेमाल धमाके के दिन शाजिब ने किया था। एनआईए के सूत्रों का दावा है कि उस टोपी में जांच अधिकारियों को बाल मिले थे। फोरेंसिक जांच के बाद ये पता चला था कि धमाके के दिन टोपी को ताहा ने नहीं बल्कि मुजफ्फर हुसैन शाजिब ने चेहरा छिपाने के लिए पहना था। बाद में शाजिब के घर वालों को उसका CCTV वीडियो दिखाया गया था। सूत्रों के मुताबिक उसके घर वालों ने वीडियो देखने के बाद उसकी पहचान भी कर दी थी। लेकिन रेस्टोरेंट में धमाके के करीब 1 महीने बाद भी ना तो शाजिब का कुछ पता चल रहा था और ना ही ताहा का, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि दोनों पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक धमाका करने के बाद ताहा और शाजिब कुछ दिनों तक चेन्नई के एक इलाके में भी छिपे हुए थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से थोड़े दिनों के बाद दोनों वहां से भी निकल गए थे। इसीलिए दोनों की तलाश में एनआईए ने कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में छापे भी मारे थे। इसके बाद 29 मार्च को दोनों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था ताकि किसी भी तरह बेंगलुरु ब्लास्ट के इन दोनों संदिग्धों तक पहुंचा जा सके। हालांकि सबूतों को जोड़ते हुए एनआईए ने दोनों संदिग्धों को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से जुड़े दोनों संदिग्धों के पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बता दिया और बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाल दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर अमित मालवीय और पश्चिम बंगाल पुलिस में वॉर छिड़ गई। बंगाल पुलिस ने अमित मालवीय के दावे को झूठा बता दिया, लेकिन इस मुद्दे में सियासी तड़का तब लगा जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित मालवीय के बहाने बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। बांग्ला सेफ नय तो दिल्ली सेफ।
घमासान तब शुरू हुआ जब एनआईए ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा से ब्लास्ट के दो संदिग्ध मुसफ्फिर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन में एनआईए के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस भी शामिल रही। इसी के बाद अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अपनी एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल को आतंकियों का घर बता दिया। यही नहीं, बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आतंकियों को खुली छूट मिल गई।